अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पर। तो पहले हम देख लेते हैं प्रीमियम पर शेयर इशू करना क्या होता है। जिस वक्त शेयर इशू किया जाता है फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, तो उसकी एक वैल्यू डिटरमिन कर ली जाती है कि उसकी एक कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रुपीज़ 10 फर्ज करें उस शेयर की वैल्यू है पहली दफ़ा जब वो शेयर इशू किया जा रहा है। इसे शेयर की पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहा जाता है। और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा पर शेयर इशू किया जा रहा हो, शेयर इशू करने का मतलब है शेयर सेल किया जा रहा हो, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रुपीज़ 12 पर ये शेयर सेल हो रहा है। अब ये कंपनीज़ क्यों करती हैं? जिन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है, अर्निंग अच्छी जा रही है, वो ये कहती हैं कि वो अपने शेयर को सेल करेंगी तो वो 12 रुपए का ही एक शेयर देंगी। इसके अलावा बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर कंपनी 12 रुपये का एक शेयर इशू कर रही है और कंपनी के शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपये, तो अब अगर हम लोग 12 में से रुपीज़ 10 को माइनस कर दें तो यहाँ पर हमारे पास जो रुपीज़ 2 आएगा, इसको हम कहते हैं ये है इस शेयर पर प्रीमियम। शेयर अपनी पार वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। अब शेयर कैपिटल पर प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में, जैसे यहाँ हमने बैलेंस शीट में नेम लिखा कंपनी का, बैलेंस शीट लिखा, डेट लिखी जिस डेट को ये बनाई जा रही है, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल वाली साइड पर हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के थ्रू जो अमाउंट आती है वो लिखते हैं। और इस तरह से जो कैश आता है वो हमारे करंट एसेट्स में नज़र आ जाता है। हमने देखा प्रीमियम किसे कहते हैं और कहाँ पर जब प्रीमियम के थ्रू अमाउंट आएगी वो लिखी जाएगी। अब हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं और इस प्रॉब्लम को हम लोग इसके थ्रू जर्नल एंट्री शेयर की पास करेंगे और फिर हम उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। अथोराइज्ड कैपिटल यानी कंपनी को इजाज़त है लॉ के थ्रू, उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, वो टोटल 1,00,000 शेयर्स को इशू करके सेल करके हर शेयर की पावर वैल्यू होगी 10 रुपये। और इस पर जो कंपनी अमाउंट रेज कर सकती है वो है 1,000,000 यानी 10,00,000। अब इस वक्त जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती, ये अथोराइज्ड कैपिटल है, इसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं। यहाँ सिंपली हम अथोराइज्ड कैपिटल के नीचे हम लोग लिखेंगे 1,00,000 शेयर्स हैं और हर शेयर की पावर वैल्यू है 10 रुपीज़। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 10,00,000 तक अमाउंट कंपनी शेयर इशू करके रेज कर सकती है। और इसके नीचे हम लोग लगा देंगे डबल लाइन, क्योंकि ये अमाउंट अभी नहीं आई, ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है, एक वजाहत है कि इतनी अमाउंट कंपनी शेयर्स के थ्रू लेकर आ सकती है। तो इसके बाद हमारे पास है 10,000 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर। इस वक्त शेयर इशू किए जा रहे हैं, जिस वक्त शेयर इशू किए जाते हैं वो जिस भी डेट को इशू हो रहे हों, अभी हमारे पास अमाउंट नहीं आई, अभी हम सेल करना चाहते हैं, तो जब अभी कुछ नहीं आया हमारे पास तो इसको हम ना इसकी इस वक्त एंट्री पास होगी और ना ही इसको हम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तब तक जब तक लोग हमसे ये शेयर ख़रीद नहीं लेते। तो 10,000 शेयर हैं, अगर वो प्रीमियम पर शेयर इशू किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 10 रुपये तो उसकी है पार वैल्यू, और 2 रुपये प्रीमियम पर अगर शेयर इशू हो रहा है तो एक शेयर इशू होगा 10 रुपये पार वैल्यू प्लस 2 प्रीमियम, ये मिलाकर रुपीज़ 12 का एक शेयर इशू होगा। और कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 10,000 शेयर्स। जिस वक्त ये शेयर कोई ख़रीद लेगा या शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी उस वक्त हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसके बाद 2 अगस्त को क्या हुआ? एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर ₹12,000 शेयर्स। कंपनी इशू करना चाह रही है 10,000 शेयर्स, लेकिन जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो अप्लाई किया गया है लोगों ने, वो किया है 12,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब है 10,000 शेयर्स तो कंपनी लोगों को इशू कर देगी और बाकी जो एप्लीकेशन आई हैं 12,000 में से, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन 12,000 आई हैं, 10,000 को हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो
रिफ़ंड कर दी जाएंगी एप्लीकेशन और उनकी अमाउंट भी, क्योंकि जब कंपनी शेयर इशू करती है और जो बंदा एप्लीकेशन देता है कि वो लेना चाहता है शेयर, तो कंपनी बैंक का बता देती है कि ये बैंक है, उस बैंक में आप ये करें कि उस बैंक में जो आपकी एप्लीकेशन है उसके साथ आप अमाउंट जमा करवाते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, 2000 शेयर्स वापस कर देगी और 2000 शेयर्स की अमाउंट भी अपने बैंक को बता देगी कि वो रिटर्न कर दी जाएं। जैसे यहाँ मेंशन है, शेयर्स वर अलॉटेड 15 अगस्त को। इसके बाद क्या हुआ, शेयर्स अलॉट किए हैं कंपनी ने, शेयर्स जिन लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की उनको शेयर्स दे दिए, एंड मनी रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स, और बाकी जो 2000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, 2000 शेयर्स के बराबर मनी वापस कर दी है। अब हम 2 अगस्त को एंट्री पास करेंगे, जिस वक्त एप्लीकेशंस आई हैं शेयर्स को ख़रीदने के लिए। ये हमारे पास है जर्नल, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री को पास करते हैं, डेट लिखेंगे जिस डेट को एप्लीकेशंस जो हैं वो एप्लीकेशंस और अमाउंट लोगों ने दी है हमारे बैंक को, हमारी कंपनी के बैंक को, यहाँ हम एंट्री करेंगे। और इससे रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन में जो भी चीज़ आती है उसका लेजर बनाया जाता है, तो लेजर जहाँ पर बनाया जाएगा, जैसे ये जहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसका, उससे रिलेटेड लेजर जहाँ बनेगा उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट क्रेडिट हम कर रहे हैं उसको लिख देंगे। तो जो पहली एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करेंगे वो है हमारे बैंक में अमाउंट आएगी। और बैंक क्या होता है, बैंक या कैश हमारा एसेट होता है, इसमें जब अमाउंट आएगी, इसमें जब इंक्रीज आएगा इसको डेबिट किया जाता है। अब कितनी अमाउंट आएगी, 12,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 12,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, वो ज़रूरी नहीं है 12,000 ही लोग हों, एक बंदा 500 शेयर्स के लिए, 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इससे ज़्यादा के लिए भी कर सकता है, लेकिन 12,000 शेयर्स टोटल विलिंग है लोग ख़रीदने के लिए। तो 12,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि शेयर प्रीमियम पर इशू या सेल किया जा रहा है। तो बैंक में जो अमाउंट आएगी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, तो ये होगी 1,44,000। तो 1,44,000 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और ये अमाउंट क्यों आई है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस के अगेंस्ट आई है, क्योंकि अप्लाई किया है लोगों ने इसकी वजह से आई है, तो हम ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर ये अमाउंट हम शो कर देंगे जितने की एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी। यहाँ हमने लिख दिया मनी रिसीव्ड, पैसे हमने रिसीव किए हैं अलोंग विद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के साथ। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हमने कर ली। अब हम देखेंगे शेयर्स हमने कितनों को अलॉट किए दिए और कितनों की जो मनी है वो हमने रिफ़ंड की। तो एप्लीकेशन जब रिसीव की हैं, अभी हम बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, जिस वक्त हम शेयर्स दे देंगे, शेयर इशू कर देंगे, सेल कर देंगे, उस वक्त हम बैलेंस शीट में इस चीज़ को लिखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एंट्री पास करते हैं जो कि हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उसको हम किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो 15 अगस्त को हम लोग शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जिसके थ्रू हमारे पास ये अमाउंट आई थी उसको अब हम लोग डेबिट कर देंगे और शेयर्स कैपिटल इसके अगेंस्ट हम इशू कर देंगे। अब जो शेयर कैपिटल है उसको हमेशा हमेशा उसकी पावर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। आप ये समझें कि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा इसका मकसद ये है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के थ्रू जो अमाउंट आती है उसको डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो अमाउंट प्रीमियम के थ्रू कंपनी वसूल करती हैं उनके लिए, किस मकसद के लिए वो अमाउंट यूटिलाइज की जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है, वो मकासद भी लॉ ने मेंशन किए हैं, वो उन्हीं मकसद के लिए उसमें से हमने खर्चे करने हैं, इसलिए इन दोनों को अलग रखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स के लिए आई हैं लेकिन हम लोग 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, तो हम लोग 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन को यहाँ हमने डेबिट किया और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल
में हम 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ये आ जाएगा हमारे पास 1,00,000। तो 1,00,000 को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं और क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में इंक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। अब प्रीमियम कितना ले रही है कंपनी 10,000 शेयर्स पर, अगर हम देखें तो हर एक शेयर पर 2 रुपये प्रीमियम ले रही है, तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। तो 1,20,000 के बराबर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे। साथ में हमने मेंशन कर दिया शेयर अलॉटेड एट प्रीमियम ऑफ ₹2, 2 रुपये प्रीमियम पर शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। अब देखें यहाँ पर है 1,44,000 बैंक में कैश जो है कंपनी के बैंक में आया था और 1,20,000 के बराबर एप्लीकेशंस को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं और रिकॉर्ड किया है। तो 1,44,000 और 1,20,000 का जो डिफरेंस है जो कि बनता है 24,000, तो 24,000 अमाउंट जो एडिशनल हमारे बैंक में रखी हुई है हम वो अमाउंट भी वापस करेंगे और उससे रिलेटेड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने करना है डेबिट और बैंक से अमाउंट जाएगी हमारी उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए, क्योंकि हमने शेयर्स 10,000 ही कंपनी ने सेल करने थे। और यहाँ हमने मेंशन कर दिया मनी रिफंडेड यानी अमाउंट वापस करती है। हमने यहाँ इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर ली और ये जर्नल एंट्रीज हमने इस प्रॉब्लम को देखकर पास की। अब यहाँ थोड़ा सा काम रह गया है कि हमने अपनी बैलेंस शीट को मुकम्मल करना है, यानी जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी जानी है वो अभी लिखनी है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी की कंटिन्यूशन में होगी जिसमें हम इस प्रॉब्लम को कम्प्लीट करेंगे।